हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नेचुरल वे में प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड की जा सकती है। अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आप नेचुरल प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका एक मेथड है जो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। जो पीरियड्स हैं वो अगर आपके रेगुलर वे में आते हैं तो ही ये इफेक्टिव है मेथड। अदरवाइज़ अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो ये मेथड उतना इफेक्टिव नहीं है। फिर उसके लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़ेगा अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रेगनेंसी फर्टाइल विंडो होती है, जो पीरियड का 8वें दिन से लेकर 18वें दिन का डे होता है, उस टाइम पे पीरियड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं। सो मान लीजिए आपका जो पीरियड है वो 20 तारीख को आता है, तो उसके पहले हमें 14th डे काउंट करना है। वो लगभग आपका ओव्यूलेशन डे होगा। ओव्यूलेशन एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सी जो आपका ओव्यूलेशन वाला डे है उसके 4-5 दिन पहले का और जो ओव्यूलेशन है उसके 4-5 दिन बाद का पीरियड जो है वो आपका जो है वो फर्टाइल पीरियड होता है। तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो आप ट्राई कीजिए कि जो 8वें दिन से पहले के दिन और 18वें दिन के बाद के दिन जो है वो आप सेफ पीरियड मानकर चल सकते हैं। उस टाइम पर आपका अगर अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट भी किया जाता है तो उस टाइम पर प्रेगनेंसी लगने के चांसेस कम होते हैं। कोई भी मेथड 100% इफेक्टिव नहीं होता है कॉन्ट्रासेप्शन।